दोस्तों हमने ऐसी कई वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही वेरीफाई करा के रखें, वरना फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। जितने स्टूडेंट्स ने इस बात को समझा, इस बात को जाना, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक तरह से वेरीफाई करवाया, उस पर RTI लगाई, RTI रिप्लाई मांगा यूनिवर्सिटी से, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने RTI रिप्लाई किया, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने, क्योंकि उन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट गलत थे, रिप्लाई नहीं किया। या फिर जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी गवर्नमेंट जॉब में लगाया और जब गई वहां से डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन, तो वो नेगेटिव हो जाती है। वहीं आपके दिल में एक डर बैठ जाता है कि अब हमारे अगेंस्ट कहीं कोई FIR लॉज ना हो जाए, और ऐसा होता भी है। ऐसा कैसे हुआ, कई सारे स्टूडेंट्स के साथ में जो रियल घटना है, जो हमें शेयर की स्टूडेंट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, उन सब के बारे में बताऊंगा अपने इस वीडियो में। दोस्तों ज्यादा कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हालांकि कई यूनिवर्सिटीज को हमने रिव्यू किया, बताया बहुत कुछ आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में, किस किस तरह से स्कैम करती हैं यूनिवर्सिटीज, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट देती हैं और बाद में इनके वेरिफिकेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ डिग्री और माइग्रेशन या फिर कोई चीज अप्लाई कर लो और वो जाके ले आओ, ये कोई वेरिफिकेशन नहीं है। हम वेरिफिकेशन के लिए हमेशा आपको बोलते हैं अपनी वीडियोस में कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को RTI के थ्रू ही वेरीफाई कराएं, वरना उसकी वेरिफिकेशन को आप बिल्कुल ना माने। दोस्तों ऐसा नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज RTI से वेरीफाई नहीं करती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो RTI से वेरीफाई करती हैं, RTI का रिप्लाई करती हैं, बट आपको RTI लगानी जरूर चाहिए। अगर आप सेटिस्फाई हैं कि आप यूनिवर्सिटी गए हैं, डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या जेन्युइन हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने दिल की आप बात सुनिए। बट अगर आपके दिल से आवाज आती है कि हाँ मुझे डॉक्यूमेंट्स को फिर से एक बार क्रॉस चेक कराना चाहिए, वेरीफाई कराना चाहिए, तो जरूर वेरीफाई कराएं। जो स्टूडेंट्स रेगुलर रहे हैं कैंपस में, रेगुलर पढ़े हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में रहकर, हॉस्टल में रहे हैं, उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने की। हम तो उन लोगों को बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए जिन लोगों ने किसी भी जुगाड़ से अपने डॉक्यूमेंट्स को लिया है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। आप में से जिस भी किसी स्टूडेंट ने ऐसे डॉक्यूमेंट लिए और आपने किसी भी समस्या या प्रॉब्लम को फेस किया, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में, मार्कशीट लेने के बाद में वेरिफिकेशन के लिए आज तक आप भटक रहे हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अपनी यूनिवर्सिटी के नाम के साथ। हो सकता है कि हम उसमें कोई आपकी मदद कर सकें और आपके कोई भी जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको शॉर्ट आउट कर सकें। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, RTI से ही वेरीफाई कराएं, खुद RTI लगाएं, किसी एडवोकेट साहब के पास जाएं या उसमें हमारी मदद लें, बात एक ही है। जैसे भी आप RTI लगाएंगे, उसके सब प्रूफ आपके पास होंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन RTI नहीं लगेगी, आपको उसमें ऑफलाइन ही लगाना पड़ेगा, मतलब कि पोस्ट करनी पड़ेगी RTI। RTI आप लगाइए, फर्स्ट अपील लगाइए, फाइनल अपील लगाइए, साथ में ही थर्ड पार्टी के लिए उनको लेटर भी भेजिए, मेल भी भेजिए, पूरे प्रोसेस को आप फॉलो करें। अगर कोई यूनिवर्सिटी RTI का रिप्लाई नहीं करना चाहती है, कम से कम जो रजिस्ट्रार को आपने लेटर लिखा उसका रिप्लाई तो कम से कम करना ही चाहिए उस यूनिवर्सिटी को। दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हमें अपने डॉक्यूमेंट शेयर किए और कहा कि सर हमने जब डॉक्यूमेंट लिए, जब तक तो ऑनलाइन आ रहा था, बट अब हमने जब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराया तो उसका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन गई है और अब हमें अल्टीमेटम मिल चुका है, या तो हमारे अगेंस्ट FIR होगी या हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा। यह सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात ही नहीं है, प्राइवेट जॉब में भी ऐसा बहुत बार हुआ है। तो इन सब से अवेयर रहने के लिए दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा के रखें, ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आप भी इसी भीड़ का हिस्सा बन जाएं और आपके अगेंस्ट भी कोई कंप्लेंट दायर हो जाए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज जो मैंने वीडियो बनाया और जो आपको बताया कैसे आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएं, आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं आपके दिल में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम उसका रिप्लाई करें और आपकी मदद कर सकें। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।